दोस्तों ये है Vivo की नई Vivo Masterpiece Glow QLED टीवी का 55 इंच मॉडल। इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, इस टीवी की डिटेल में रिव्यू करेंगे और अंत में आपको ये भी बताएंगे क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एकदम अंत तक देखना। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु, लगे हाथ शुरू करते हैं। Vivo Masterpiece Glow TV आपको तीन वेरिएंट्स में मिल जाती है, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच वेरिएंट्स। इन टीवीज में साइज के अलावा आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पे आपको 4K क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यानी कि QLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, IPS पैनल के साथ आती है ये टीवी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बैक लाइटिंग यहाँ पे आपको फुल एरे दी हुई है, यानी कि फुल एरे डिमिंग का एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे इस टीवी पर। डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट है, MEMC का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है इस टीवी पे। अगर आप स्पोर्ट्स या फिर एक्शन मूवीज के शौकीन है तो ये कंटेंट आप इस टीवी पे बहुत बढ़िया तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों अभी आपके सामने एक 4K वीडियो प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर्स का रेंज है बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। इस टीवी में आपको 100% कलर वॉल्यूम देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है उससे कलर्स की वाइब्रेंसी और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर आप 4K कंटेंट या फिर HDR डॉल्बी विजन कंटेंट देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलिए अभी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं इस टीवी की अपस्केलिंग कैसी है। तो ये हमारा न्यूज चैनल यहाँ पे चल रहा है जो हमें कभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारता, थैंक यू रिपब्लिक जी। तो यहाँ पे ये चैनल रिले हो रहा है 480 पिक्सल यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है आपको बिल्कुल भी खराब नहीं नजर आ रही है। वैसे Vivo की पिछली टीवीज या पुरानी टीवीज में भी आपको अपस्केलिंग अच्छी मिल जाती थी और वही आपको इस टीवी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यानी कि 55 इंच टीवी पे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखते हैं आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा ही होने वाला है। इस टीवी में आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो फुटेज को और भी स्मूथ बना देती है, मोशन को और भी बढ़िया तरीके से हैंडल करती है। कई लोग पूछते हैं कि MEMC होता क्या है। जो रॉ फुटेज होता है जैसे कि आप ये फुटबॉल देख रहे हैं ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड या फिर 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट हुआ है, लेकिन जो टीवीज होती हैं वो 60 फ्रेम्स या 120 फ्रेम्स को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जिन टीवीज में MEMC होता है रॉ फुटेज के फ्रेम्स में एक्स्ट्रा फ्रेम्स डाल के फुटेज को और स्मूथ कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ आपको कहीं पे भी शैडो इफेक्ट या फिर सोप ओपेरा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, फुटेज एकदम ही स्मूथ देखने को मिलेगा। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी तो लाजवाब है ही, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी को कस्टमाइज करने के भी काफी ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। ढेर सारे पिक्चर मोड्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको एक फिल्म मेकर मोड भी देखने को मिल जाता है। अभी तक सिर्फ LG के टॉप एंड टीवीज में आपको ये फिल्म मेकर मोड मिलता था, अब आपको Vivo Masterpiece Glow टीवी में भी ये मोड मिल रहा है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी देख लेते हैं और कौन कौन से आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं पिक्चर को कस्टमाइज करने के लिए। यहां जैसे कि आप देख रहे हैं आपको कलर ट्यूनर, वाइट बैलेंस, गामा करेक्शन के भी ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही साथ रीसेट बटन भी मिल जाता है। गलती से अगर आप कोई सेटिंग कर लेते हैं और आपको वापस डिफॉल्ट सेटिंग पे जाना है तो आप रीसेट बटन भी दबा सकते हैं। लो ब्लू लाइट का ऑप्शन है, जितनी कम ब्लू लाइट एमिट होगी उतनी कम थकावट होगी आपके आंखों को। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग ऑन ऑफ हाई लो करने के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं पिक्चर क्वालिटी को कस्टमाइज करने के लिए। फिल्म मेकर मोड एक ऐसा मोड है जिससे आप फिल्म के डायरेक्टर ने जिस कलर सेटिंग में फिल्म को शूट किया है आप वही कलर सेटिंग में टीवी पर उस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। यूजुअली थिएटर्स में तो आपको वही सेटिंग देखने को मिल जाती है लेकिन टीवी पे काफ़ी प्रोसेसिंग होती है और कलर्स एकदम ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिल्म मेकर मोड द्वारा आप वही कलर सेटिंग पे जो डायरेक्टर ने इमेजिन करके फिल्म को शूट किया आप वही एंजॉय कर सकते हैं अपनी इस टीवी पर।
पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो काफी बात कर ली, चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीवी के ऑडियो के बारे में। तो यहां पे आपको 4.1 स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि चार डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं और एक बिल्ट इन सबवूफर दिया हुआ है जो टीवी के ठीक पीछे है। टोटल ऑडियो आउटपुट आपको 100 वॉट का सुनने को मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस साउंड आप इस टीवी पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस बढ़िया स्पीकर सेटअप द्वारा। यहाँ पे आपको सिर्फ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनहांस आग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। दोस्तों ये टीवी एक कंप्लीट गेमर्स डिलाइट है। इस टीवी पे आपको सारे के सारे टॉप एंड गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं। इस टीवी पे आप 4K गेमिंग कर सकते हैं एट 120 हर्ट्ज। साथ ही साथ दो HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको AMD FreeSync का सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर आप लेटेस्ट PlayStation यानी कि PlayStation 5 या Xbox लेके गेमिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये टीवी आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द चीपेस्ट कॉस्ट दे रही है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे PlayStation 5 नहीं था पूरी तरीके से इस टीवी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी मैं PlayStation 5 को इस टीवी के साथ कनेक्ट करके मेरा एक गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। Vivo की मास्टरपीस ग्लो क्यूलेट टीवी में आपको Android 10 देखने को मिलता है। बहुत ही स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे Vivo ने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया हुआ है अपनी टीवी में। यहाँ पे आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसमें से करीबन 8 GB फ्री मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3 GB का रैम मिल रहा है। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, यानी कि 2.4 और 5 GHz स्पीड पे आप इंटरनेट यहाँ पे चला सकते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया हुआ है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, 4 HDMI पोर्ट में से 2 HDMI 2.1 पोर्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस टीवी में फार फील्ड माइक्रोफोन का भी सपोर्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको रिमोट पे बटन दबा के टीवी को कमांड करने की जरूरत नहीं है, आप एक डिस्टेंस पे बैठ के भी टीवी को कमांड कर सकते हैं। ओके गूगल ये प्ले कर दीजिए, ओके गूगल वो प्ले कर दीजिए, ये आप दूर बैठ के भी कर सकते हैं। इस टीवी के साथ आपको काफी बढ़िया सा रिमोट देखने को मिल जाता है, ढेर सारे बटन्स मिल जाते हैं, लेकिन एक बटन जिस पे आपका ध्यान जाने वाला है वो है Spotify का डेडिकेटेड की। जी हाँ, पहली बार मैं किस टीवी के रिमोट में देख रहा हूँ कि Spotify का डेडिकेटेड की मिल रहा है। अब क्योंकि इस टीवी में आपको इतना बढ़िया स्पीकर सेटअप आ जाता है तो आप इस टीवी को एक होम थिएटर या फिर एक साउंड सिस्टम जैसे भी यूज करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से ये Spotify का की आपको काफी काम में आने वाला है। दोस्तों Vivo ने अपनी मास्टरपीस ग्लो टीवी को एक मास्टरपीस जैसे ही बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अरमानी गोल्ड एस्थेटिक्स यूज किए हुए हैं सब जगह। यहाँ पे आपको पूरा मेटल डिजाइन देखने को मिलता है, मेटल फ्रेम है, मेटल का बैक दिया हुआ है, मेटल के टेबल टॉप स्टैंड है, यहाँ तक कि रिमोट भी आपको पूरा मेटल का ही देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके का चेकर्ड टेक्सचर बैक कवर दिया हुआ है जो दिखने में काफी सुंदर लगता है। ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा जो डिजाइन और लुक्स हैं बहुत ही लाजवाब हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये टीवी आपको 75,000 रुपए में मिलती है। इसका 55 इंच वेरियंट आपको 75,000 रुपीज में मिल रहा है और इस प्राइस सेगमेंट में आपको कॉम्पिटिशन है सोनी की ओर से, सोनी X80J, सैमसंग की ओर से, जहां पे सैमसंग की फ्रेम सैमसंग की Q60T आपको करीबन 85-90,000 रेंज में मिलती है। अगर हम इन टीवीज को इस टीवी के साथ कंपेयर करें तो यहां पे ये टीवी पिक्चर के मामले में, ऑडियो के मामले में जो आपको दे रही है वो आपको इसके कॉम्पिटिशन नहीं देते।
इस टीवी में आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, इस टीवी में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, दो HDMI 2.1 पोर्ट मिल रहा है, यानी कि ये एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है। 100 वॉट का ऑडियो आउटपुट आपको इसमें मिल जाता है, 4.1 चैनल सपोर्ट के साथ एक सबवूफर भी आ रहा है। जो ऑडियो आउटपुट है आपको और कोई टीवी इस प्राइस सेगमेंट में नहीं देने वाला है। गेमर्स को भी यहाँ पे काफी मजा आने वाला है, VRR का सपोर्ट है, फ्री सिंक का सपोर्ट भी आपको इस टीवी में मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन है ही नहीं मेरे हिसाब से। पहली बार मैं कहूंगा मेरे 3 साल के करियर में, YouTube करियर में, मुझे इस टीवी में जिस प्राइस पॉइंट पे ये टीवी मिल रही है यहाँ पे कौन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सिर्फ प्रोज ही प्रोज है दोस्तों। यहाँ पे इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसका ऑडियो क्वालिटी, इसका गेमिंग एक्सपीरियंस, इसका ओवरऑल टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस लाजवाब है। अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि 75-80,000 में एक टीवी लेनी है जो एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, जिसका ऑडियो अच्छा है, जिसका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको आग बंद करके इसी टीवी को चूज करना है। अगर आप चाहते हैं इस टीवी को मैं दूसरे टीवी के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करूं, क्योंकि मैं सोच रहा था इस टीवी को सैमसंग फ्रेम टीवी के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं अभिषेक कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।